हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधी करंट अफेयर्स 12 जनवरी 2023 का। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए नोटिफिकेशन आपके साथ पास पहुंचता रहे, और तथा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली क्या है। ई प्रणाली की शुरू करने वाली महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गई है। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गई है ई प्रणाली शुरू करने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मार्कर जो है दूसरा रंग। चलिए, इस प्रणाली के तहत फाइलिंग, भुगतान और अन्य अदालती सेवाओं आदि सहित अदालत से संबंधित सभी कार्य मोबाइल ऐप या ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ जो है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है दोस्तों, और महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के कुछ प्रमुख उद्यान हैं। ठीक है दोस्तों, उसका नाम जानेंगे तो संजय गांधी जो है बोरीवली, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में ही है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में ही है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। दोस्तों बता दें कि उद्यान से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस पे विशेष ध्यान रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटिंग न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका जो है सिंह का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ था, और अब वह अपने पति और दो बच्चों के साथ बेलेयर में रहती है। ठीक है, कौन मोनिका सिंह ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है। पहली बार भारत ने पिछले साल ऑटो बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन गया है। ठीक है, कौन भारत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देश में नए वाहनों की कुल बिक्री कम से कम जो है 4.25 मिलियन यूनिट रही है, जो जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से अधिक था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी। ठीक है, केविन जो है नेता मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, रिपब्लिकन नेता जो है नाम है केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह सदन में हाउस मिनोरिटी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है, कौन केविन मैकार्थी ने। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज जो जो दिन था वो जो है राष्ट्रीय युवा दिवस था, किनके उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जो है 12 जनवरी को
राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 2022 की जो थीम थी वो विकसित युवा विकसित भारत था। क्या था? 2022 की थीम विकसित युवा और विकसित भारत था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पहली बार 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म सीरियम के अनुसार जो है बेंगलुरु का कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ऑन टाइम एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। ये दोनों एयरपोर्ट 2021 में टॉप 10 में नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से, लाइब्रेरी NMML के सहयोग से दिल्ली के इंडिया गेट पर इंडस्ट्री टूरिज्म यानी ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, इसके साथ मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। इस PVD कन्वेंशन का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ओ बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है जो आपके सामने लाया हूँ, और ये करेंट है 12 जनवरी का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश को का जो CM है वो अभी शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई है। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई है। ठीक है, यहाँ का प्रमुख गुफाएं हैं मध्य प्रदेश का, भीमबेटका है, सांची में बौद्ध स्मारक है, और खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लोकप्रिय इतिहासकार संजीव सन्याल ने अपनी नई पुस्तक जो है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन एडेट्स फ्रीडम का विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल जिसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का 88वां वर्ष की आयु में निधन हो गई है, मतलब 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का जो है अभी CM है ममता बनर्जी, यहाँ का गवर्नर है CV आनंद बोस है। ठीक है, नेक्स्ट है, और यहाँ का जो है लोक नृत्य जो है और लाठी है, गंभीर है, ढाली है, जात्रा है, बाउल है, छऊ है, संस्थाली नृत्य, ये सब जो है यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, और काली घाट यहाँ पे एक मंदिर भी है। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय SPMBV में रंगीन नोट पर संपन्न हुए 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में केरल विश्वविद्यालय ने समग्र चैंपियनशिप हासिल की है। ठीक है, तो आपको बता दें कि केरल केरल का जो है यहाँ कुछ उद्याने हैं जो अन्नामुंडी
16 राष्ट्रीय उद्यान है, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यहाँ केरल में ही है, चेराई बीच केरल में ही है, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध जो है केरल में ही है, कुमार कोम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हिमालय में संचालन के लिए रसद में सुधार के लिए 5 किलो पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम एक मानव रहित हवाई वाहन UAV, एक अनर्थड मल्टी कॉप्टर पेलोड विकसित किया है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इनका जो स्थापना था फाउंडेड 1958 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन जो अभी वर्तमान में है DRDO का डॉक्टर समीर वी कामत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ तक समाप्त हुआ है। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।